सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की रिपोर्ट जो करते हैं आगाज, तो अभी सबसे पहले ऊपर चलते हैं, आपको दिखाता हूँ बर्ड्स के साथ क्या ट्रीटमेंट चल रहा है। तो सबसे पहले यार, ये उनके लिए शॉर्ट फूड आ गई है, इनमें मकई, गंदम और काले चने ऐड कर दिए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ पानी में क्या यूज़ कर दी है, कौन से मल्टीविटामिन यूज़ किए। यार सबसे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे जाने से पहले ये चेक करें। ये पानी के अंदर आज उनको मल्टीविटामिन ऐड किए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कौन से मल्टीविटामिन मैं यूज़ करता हूँ। इसके बाद इंशाल्लाह आज आपको अपने घर का टूर करवाएंगे, जो नया बन रहा है उधर चलेंगे, वीडियो में बने रहिएगा। ये देखें, ये मल्टीविटामिन हैं जो कि मैं यूज़ करवाता हूँ। ये अच्छे हैं, इम्पोर्टेड है, और ये विटामिन सी है। अच्छा रिजल्ट है, बर्ड्स एक्टिव रहते हैं। ये अभी मैंने पानी में ऐड किया थे, तो अब जो है हमजा वो इनको दाना पानी डाल देगा। बर्तन धुल गए, इसके बाद अभी नाश्ता करते हैं, नाश्ता करके फिर निकलते हैं मकान की तरफ। तो दोस्तों नाश्ता कर लिया, अब निकलते हैं, फिर आपको घर का विजिट करवाता हूँ। चलते हैं, अपनी फटफटी पड़ी है उसको निकालते हैं और चलते हैं। ये देखें जी, बाहर की रूटीन क्या सीन्स हैं यहाँ पे। तो दोस्तों माशाल्लाह से आ चुके हैं अपने नए घर। ये है जी हमारा घर जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी इस पर काम चल रहा है। तो माशाल्लाह स्ट्रक्चर बिल्डिंग तकरीबन बन गई है, अंदर जो बाकी काम होता है छोटा मोटा वो चल रहा है। तो चलें अंदर चलते हैं और आपको विज़िट करवाता हूँ, सारा अंदर से नक्शा दिखाता हूँ, क्या क्या काम हो गया है, क्या पेंडिंग है। तो ये सबसे पहले एंटर होते ही गैराज है, यहाँ से ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं फर्स्ट फ्लोर पे। ये ड्राइंग रूम, ये भी इधर नीचे मार्बल लगने वाली रहती है, ऊपर तकरीबन लग गई है। ऊपर भी चलते हैं आपको दिखाता हूँ, और नेक्स्ट इसी वीडियो में आपको दिखाता हूँ अपना शेड कहाँ बनेगा। ये टीवी हॉल है, ये ड्राइंग रूम, साथ ही अटैच वॉशरूम। इसी तरह ये सामने दो कमरे हैं, इधर ये डक है हवा की क्रॉसिंग के लिए, ये देखें। अच्छा ये इधर से खिड़की दी है रूम के लिए, ये सामने किचन है, किचन ये राइट साइड पे जो कमरा सामने, ये भी डार्क है।
ये अटैच वाशरूम, ये टाइल्स वगैरह इनकी पड़ी हैं। तो इधर चलते हैं, अब ये जो डक है उसका रास्ता है, यहाँ पे टूटियाँ वगैरह लग जाएंगी कपड़े धोने के लिए। ये ओपन है, इधर से हवा की क्रॉसिंग बेहतरीन है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ये बैक साइड पे पार्क है, इसलिए ये हमें एडवांटेज है कि हमने ऊपर से इसको बंद कर दिया, ताकि अपना जो तोतों का शेड बनना है ना, वो खुला बन सके और जगह काफ़ी हो। ये एक कमरा है, इधर सामान वगैरह पड़ा है। ये साथ अटैच वाशरूम, ये इसकी टाइलें पड़ी हैं, ये टाइल्स पड़ी हैं जो अपना ड्राइंग रूम के साथ जो अटैच वाशरूम है उसकी। चले अब ऊपर चलते हैं, फिर आपको ऊपर से दिखाता हूँ। ये जनाब ऊपर आ गए हैं, ऊपर तकरीबन मार्बल लग रही है, यही रह गया हिस्सा, बाकी लग चुकी है। ये टेरेस, इधर से ये विजिट करें, यहाँ से भी ऊपर सीढ़ियाँ जाती है जहाँ पे अपना शेड बनेगा। बाकी ये उसी तरह ड्राइंग रूम जैसा नीचे है, सेम नक्शा नीचे की तरह है, लेकिन जस्ट यहाँ पे ड्राइंग रूम वाला वॉशरूम हमने स्किप कर दिया। इधर ऊपर सारी मार्बल लग गई है, और ये देखें ये पीछे पार्क है। अभी वैसे तो इसकी ऐसा ही है हालत, सोसाइटी वाले तो मेरा ख्याल कुछ नहीं करेंगे, ये सोसाइटी के जो घर हैं वो मिलके इसको बनाएं तो बनाएं, ऐसे जिन्होंने ये सोसाइटी काटी है उनसे उम्मीद तो नहीं है। ये भी साथ अटैच वॉशरूम, किचन, और ये भी रूम और साथ अटैच वॉशरूम। इधर कंबोर्ड लगेगा, इसलिए वो एंड पे लगता है, तो अभी नहीं लगाया। चलें अब ऊपर चलते हैं। ये जगह है जहाँ पे अपना शेड बनेगा, शेड की खिड़कियां वगैरह छोड़ दें। ऊपर से व्यू इस तरह का है, शेड जब कंप्लीट हो जाएगा फिर उसकी अलग से वीडियो बनाएंगे। Thank you.